सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और गाइज आगे भी बढ़िया ही रहे। सो गाइज, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी का स्वागत है एफ एफ आर्मी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से, क्योंकि गाइज यहां पर हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई अपडेट। तो गाइज यहां पर आपको फ्री फायर में एक नया कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है और गाइज उसी के बाद यहां पर हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको डिस्काउंट इवेंट कब देखने को मिलेगा और कौन सा देखने को मिलेगा। फिलहाल हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, मतलब हमने दो तीन वीडियो बना रखी है आपका इलाइट पास के लेकर डिस्काउंट के बारे में, लेकिन हम आपको यहां पर इसी वीडियो में इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि हमें इलाइट पास का डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और देखने को मिलेगा तो कौन सा मिलेगा और कब देखने को मिलेगा। तो गाइज यहां पर हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आपका न्यू कैरेक्टर, कि आपको गेम के अंदर नया कैरेक्टर कौन सा देखने को मिलेगा और उसकी एबिलिटी क्या होगी, क्योंकि गाइज वो इंडियन कैरेक्टर होने वाला है। तो गाइज आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ फ्री फायर में आ चुका है हमारा जय कैरेक्टर, जो कि हमारे यहाँ अभी फिलहाल लकवायल में अवेलेबल है। जिनको जिनको मिल चुका है पहले फ्री में, तो गाइज उन्होंने फ्री में पा लिया, और जिनको नहीं मिला है तो वो लक रॉयल से स्पिन मार के निकाल सकते हैं। तो गाइज लक रॉयल में जो हमारा कैरेक्टर है जय, वो आ चुका है, और उसके बाद गाइज अब आपको एक नया इंडियन कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसका नाम होने वाला है के। तो गाइज इसका नाम सिर्फ के ही क्यों होने वाला है, और गाइज यहाँ पर ये के कैरेक्टर जो आने वाला है आपका फ्री फायर में, ये कैसा दिखेगा, उसकी एबिलिटी क्या होगी, तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं कि ये कैरेक्टर आपका लिया कहाँ से गया, मतलब इंडिया में किधर से ये लिए गया, ठीक है। तो इंडिया में ये कश्मीर से लिए गया, तो आपको पता होगा कश्मीर जो है वो इंडिया के मैप में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर साइड आपको दिखेगा, तो वहाँ से ये लिया गया। और गाइज इसका जो मतलब एबिलिटी होगी वो कुछ खास होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो फ्री फायर में जय कैरेक्टर आया था इंडियन, तो गाइज उसकी जो एबिलिटी थी वो इतनी खास नहीं थी, जिससे बंदे उसको पसंद ज़्यादा नहीं करते थे और बंदे उसको निकालेंगे भी नहीं। लेकिन जो हमारा सेकंड कैरेक्टर आने वाला है जय के बाद हमारा जो सेकंड कैरेक्टर आने वाला है के, जो कि इंडियन कैरेक्टर है और कश्मीर से लिया गया है, तो गाइज इसका जो एबिलिटी होगा वो काफ़ी खास होगा थोड़ा सा, मतलब क्योंकि गाइज यहाँ पर आपको इसके पहले हम फोटो दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या और कैसे देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कैरेक्टर आपका होने वाला है इंडियन कैरेक्टर, और गाइज इसका नाम के है, और गाइज यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये बूया इवेंट से लेकर आया है, ठीक है गाइज। और इसका एक स्पेशल इमोट भी है जो कि फ्री फायर के अंदर आपको OB24 अपडेट में डाल दिया गया, और उस इमोट को आपने देखा भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको फिर से दिखाएंगे कि वो आपका इमोट कौन सा है। और गाइज ये कैरेक्टर जो कि इंडियन सर्वर में आने वाला है, इसकी एबिलिटी कुछ खास होगी, तो गाइस देख सकते हो इसका जो ये यहाँ पर बंडल दिख रहा है, ये अपना बंडल खुद का पहने हुए यहाँ पर दिख रहा है, और ये बूया इवेंट के दौरान ही दिया गया, क्योंकि इसका बैकग्राउंड में आप देख सकते हो बूया लिखा हुआ है, और इसके कुछ मिशन होंगे, ठीक है गाइस। तो इसके कुछ मिशन होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर साइड में मैप में कुछ बना हुआ है, तो इसके कुछ मिशन होंगे जब ये बूया इवेंट हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ में 25 डेट को हमारा जो बूया इवेंट है वो स्टार्ट होगा, तो गाइस वहाँ से हमको ये सभी कुछ देखने को मिल जाएगा नए नए कैरेक्टर्स। गाइस अभी हम बात करते हैं कि इसका एक स्पेशल जो इमोट है वो कौन सा होगा, ठीक है, ये क्या एनिमेशन करेगा या फिर इसका स्पेशल इमोट जो होगा वो कौन सा होगा। तो गाइस आपने देखा होगा आपके कलेक्शन में, जो कि आपका अभी अनलॉक मोड पे होगा, मतलब वो इमोट जो है वो लॉक होगा, लेकिन गाइस जब वो बूया इवेंट आएगा तो आपको वो इमोट का भी शायद शॉप दिया जाएगा, या फिर शायद हो सकता है फ्री में दिया जाए, क्योंकि वो लेजेंडरी इमोट है, तो गाइस हो सकता है गिरने वाले इसको शॉप में डाल देंगे कि आप इतना डायमंड पे करके निकाल लो। और गाइस ये एक लेजेंडरी है और रेयर इमोट होने वाला है, तो गाइस सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो गाइज जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम चलते हैं आपको दिखाते हैं कौन सा इमोट है इसका जो स्पेशल इमोट होने वाला। तो गाइज देख सकते हो ये जो इमोट है कैप्टन बूया, तो गाइज देख सकते हो कैप्टन बूया करके इसका जो इमोट है और लिया जा रहा है, और इसका कैरेक्टर का नाम है के, और गाइज उसकी जो एबिलिटी होगी वो मतलब कि उसका जो मतलब एम होगा, मतलब एनिमेशन होगा वो किस टाइप का होगा, तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर नीचे जो है उसका बना हुआ, जैसे अलोक का आप यूज़ कर सकते हो, तो वैसे ही इसका भी नीचे बना हुआ है, ठीक है। और इसका जो इमोट का नाम है वो है कैप्टन बूया, तो गाइज कैप्टन बूया का करके इसका जो इमोट है स्पेशल वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा, और उसके बाद इसका जो लॉबी में एनिमेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, और उसके बाद गाइज ये जो एक्शन करता है ना गाइज वो कुछ ऐसा ही करता है जैसा कि आपका कैप्टन बूया इमोट में करता है। और इमोट तो फिलहाल हमारे पास बहुत सारे आए हुए हैं जैसे कि देख सकते हो, और ये होने वाला है आपका बूया इवेंट पे, या जो कि मिलेगा। और गाइज फ्री फायर का एक नया इवेंट जो है वो आने वाला है बूया इवेंट, और गाइज ये सबसे बड़ा इवेंट होगा, और जो बैनर पे आपको दिख रहे हैं कुछ मेल और फीमेल के दो बंडल, तो गाइज वो बंडल आपको बूया इवेंट के दौरान देखने को मिल जाएंगे गेम के अंदर। तो गाइज ये बहुत ही बड़ा मतलब कि इवेंट होने वाला है बूया, क्योंकि ये फ्री फायर का खुद का इवेंट है, तो फ्री फायर इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करने की कोशिश करेगी, जरूर करेगा, क्योंकि फ्री फायर का खुद का जो ऐप है बूया, और खुद का इनका वर्ल्ड है बूया, और गेम जब मतलब आप जीत जाते हो तो भी लिखा हुआ आता है बूया, तो गाइस ये बूया इवेंट जो होगा वो काफ़ी खास होगा हम लोग के लिए। और गाइस यहाँ पर ये आपको कैप्टन बूया जो है ये आपको एक नया कैरेक्टर इसी बूया इवेंट के दौरान देखने को मिल सकता है। तो आपको ये इवेंट मतलब न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएगा, और अभी हम आपको बताते हैं कि आपको इलाइट पास का डिस्काउंट इवेंट कब देखने को मिलेगा।
तो गाइस यहाँ पर हम आपको वो इवेंट नहीं दिखाने वाले, क्योंकि इवेंट दिखाएंगे तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हम आपको सिंपल सा बताए दे रहे हैं कि आपको कौन कौन से इवेंट देखने को मिलेंगे और कब देखने को मिलेंगे हमारा इलाइट पास का डिस्काउंट इवेंट। ठीक है, तो इलाइट पास का जो डिस्काउंट इवेंट है वो आपको देखने को मिल सकता है कल की डेट पे। ठीक है, कल की डेट पे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज 24 डेट है और उसके बाद कल जो है आपकी 25 डेट है। ठीक है, तो कल की डेट पे आपको जो है इलाइट पास जो है आपका देखने को मिल सकता है डिस्काउंट के अंदर, और डिस्काउंट के अंदर से आप अपना इलाइट पास जो है ले सकते हो। और आपको कौन कौन से इवेंट देखने को मिलेगा आप ये भी बात आती है। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा इवेंट जो है देखने को, मतलब कौन कौन सा इवेंट देखने को मिलेगा ताकि आप वहाँ से कितने परसेंट का डिस्काउंट निकाल सकते हो। तो गाइस यहाँ पर दो इवेंट ऐसे हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। जैसे कि मिस्ट्री शॉप में आपका इलाइट पास नहीं दिया गया। ठीक है, क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इलाइट पास जो है वो आपका डिस्काउंट में तब आता है जब महीने का लास्ट का एक हफ्ता बचा हुआ था, मतलब आपके महीने का लास्ट में जब आपका मतलब कि मंथ जो है वो खत्म होता है तो उसके लास्ट में एक हफ्ता बचता है, मतलब 7 दिन बचते हैं, तभी आपका जो है इलाइट पास का डिस्काउंट इवेंट दे दिया जाता है। तो इसलिए मिस्ट्री शॉप में नहीं आया था, क्योंकि मिस्ट्री शॉप जो है हमारी बीच में ही शुरू हो गई थी, तो इसलिए मिस्ट्री शॉप में आपका इलाइट पास नहीं दिया गया। और गाइस अब बात आती है कि आपको कौन कौन से इवेंट देखने को मिलेंगे। तो गाइस आपको देखने को मिल सकता है एक जो इवेंट है व्हील ऑफ डिस्काउंट, जिसमें आपको एक डायमंड तक का इलाइट पास देखने को मिल सकता है। और गाइस ये सबसे मतलब बहुत ही खतरनाक सा मतलब देखने को मिलेगा आपको डिस्काउंट इवेंट, क्योंकि व्हील ऑफ डिस्काउंट से ये अच्छा कोई इवेंट मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है सिर्फ एक डायमंड में इलाइट पास और बहुत सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा इवेंट आता है वो है गाइज आपका फूड ट्रक इवेंट, क्योंकि गाइज जो हमारे अदर सर्वर थे पिछली बार जो हमें देखने को मिला था लेवल अप शॉप, तो गाइज अदर सर्वर पे आया था फूड ट्रक इवेंट, तो गाइज फूड ट्रक इवेंट के भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो फूड ट्रक इवेंट भी आपका आ सकता है। तो गाइज दो इवेंट ऐसे हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही है इंडियन सर्वर में आने की, जो कि कल की डेट पर आपको इलाइट पास के डिस्काउंट इवेंट में देखने को मिल जाएंगे। और अगर ये अगर नहीं मिलते हैं या फिर हमारे इंडियन सर्वर में ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद इस बार जो है इलाइट पास का डिस्काउंट इवेंट देखने को ना मिले, पर ऐसा भी हो सकता है कि इलाइट पास का डिस्काउंट इवेंट देखने को ना मिले, लेकिन हो भी सकता है कि आपको गरीना वाले बहुत अच्छे सेलिब्रेट करने के लिए आपको डिस्काउंट इवेंट ज़रूर से ज़रूर देंगे। क्योंकि यहाँ पर गाइस देख सकते हो कि ऐसी इवेंट्स की जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, और लगातार जो फ्री फायर वाले डिस्काउंट इवेंट को लास्ट में देते रहते हैं इलाइट पास लेने के लिए, तो सबके पास इलाइट पास जो है वो हो जाता है फिलहाल। तो आपको ये दोनों इवेंट जो है वो देखने को मिल सकते हैं कल की डेट पे। और गाइस ये कंफर्म है कि आपको कल की डेट मतलब 25 डेट को ही मिल जाएंगे, अगर 25 डेट को आपको नहीं मिलता है तो गाइस आपका इलाइट पास का डिस्काउंट इवेंट इस मंथ में नहीं आएगा, फिर आपको नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा, फिर अगले महीने का दिया जाएगा। और गाइस इसके लिए अगर आपके पास डायमंड है तो ये इलाइट पास आप ले सकते हो अपने डायमंड को खर्च करके। ठीक है, तो ये वाला इलाइट पास अगर आपको लेना है तो गाइज यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कल के लिए 25 डेट के लिए, और 25 के बाद अगर नहीं आता है तो आपको पूरे के पूरे वही 499 डायमंड पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन गाइज अगर वीडियो को आप शेयर कर दे तो थोड़ा सा हमें हेल्प मिल जाती है, एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हम आपके लिए फिर से कोई दूसरा वीडियो तैयार करके ले आए। ठीक है, तो चलिए अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।